जींद में एक बार फिर लामबंद हुए 66 गांव के सरपंच। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 66 गांव के सरपंचों की, जहां प्रधान पद के चुनाव को लेकर आज सभी सरपंच जींद में इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से सरपंच प्रीति देवी को प्रधान चुना गया। सरपंचों का कहना है कि हमारे को अब कोई भी दिक्कत आएगी तो हम अपने प्रधान को बताएंगे और वह इस समस्या का समाधान करवाएंगे। इस बैठक में गांव के विकास के कार्यों को लेकर भी सरपंचों द्वारा चर्चा की गई। वहीं फूलमाला डालकर प्रीति देवी को सभी सरपंचों ने स्वागत किया। वहीं प्रीति देवी ने बताया कि मैं अब 66 गांव के सरपंचों द्वारा प्रधान चुनी गई हूं। मैं अपनी बात पर खरा उतरूंगी और जो भी सरपंचों की समस्या सामने आएगी उसका समाधान किया जाएगा और अब सभी सरपंच और प्रधान मिलकर गांव का विकास करेंगे और जो गांव में युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। जहां भी नशा बिकता है वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। नव निर्वाचित सरपंच सभी ब्लॉक के सभी सदस्यों को भाई मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं इनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को हम सच्चे दिल से और सच्चे ईमानदारी से निभाएंगे और अपने गांव ब्लॉक में घर घर जाके जो भी समस्याएं हैं सरपंचों को भाई 36 बिरादरी के सभी को हम साथ लेकर चलेंगे। भाई जैसे कि कुछ स्कूलों गरीब आदमियों को स्कूलों में बच्चों की समस्याएं हैं, कुछ गांव में ट्यूशन भी लगवाएंगे बच्चों के लिए और यहाँ पे भाई लाइब्रेरी की सुविधा देंगे और सपोर्ट्स की तरह ध्यान देंगे। और सबसे मेन मुद्दा मेरा गांव से चला था, मैं गांव में मैंने 21 आदमी की कमेटी बनाई थी युवा साथियों की नशे के खिलाफ, क्योंकि हमारे गांव में एसएससी हैं वो क्या है कि भाई नए नए बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं नशे की तरफ। हमने नशे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था कम से कम मैक्सिमम 5 साल पहले और उसमें हम कामयाब भी हुए और उसमें कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नशे के खिलाफ, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, कई बच्चों की डेथ भी हुई है। इसी को हमें देखते हुए ये निर्णय लिया था कि हम नशे के खिलाफ वो करेंगे। फिर गांव के विकास कार्य को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है कि गांव का कैसे विकास कार्य होगा। अब आप प्रधान बन गए हैं जी, गांव का दौरा जितने ब्लॉक में गांव है गांव टू गांव जाके निकासी का सबसे हर गांव में क्या समस्या चली निकासी की चली है। अच्छा, आप प्रधान बन गए हैं, पहले से तैयारी आपकी जोरों पर थी, क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं कि सरपंचों की मांग आगे ये भी रखेंगे? सरपंचों की मांग रखेंगे, एक तो जो सरपंच हैं छत्तीस बिरादरी सरपंच बने हुए हैं, कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, सरपंच का क्या नहीं खर्चा होता, बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम तो एक ही डिमांड है कि सरपंचों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। दूसरा, और जो हमारे जो ये लिमिट के हैं सरपंचों की 2 लाख की है, ये बढ़ा के कम 50 लाख तक लेके जाएंगे, क्योंकि कल जो हमारे मंत्री जी आए थे पंचायत मंत्री, देखो हमें सरकार के खिलाफ नहीं है, नहीं हमें कुछ ना, हमें जो हमारी मांगे हैं हम मंत्री जी तक हमारे मांगे जाएंगे, उनके पास मिलेंगे और हमारे मांगे रखेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। सबसे पहले तो जी, जो यहाँ पे सब सरपंच नव निर्वाचित आए हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रधान बनाया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर डाली। हम सबका मान और सम्मान करते हैं, ये नहीं कि प्रधान हम बने हैं, प्रधान सबके लिए है। हम एक साथ में मिलके सबका सब अपने ब्लॉक का विकास करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे और सभी प्रधानों, ये नहीं कि भाई मैं प्रधान बनी हूँ, सब सरपंचों को अपने साथ लेके चलेंगे, पूरी एक अपनी कमेटी बनाएंगे, उसके साथ सारे गांव में विकास होंगे, सारे कार्य होंगे। और जैसे कि हमारी सभी सरपंचों की मांग है जी, हमारी जो सैलरी है 3000 है, हम उसे बढ़वा के। हाँ जी, आप आज गांव के सरपंच आपको सुना है, हाँ जी, किस तरह के विकास करे गांव के लिए करो? रिपीट अगेन सर, 66 गांव के प्रधान, हाँ जो प्रधान चुने गए यहाँ पे, आपको जो जिम्मेदारी है, आपको जो जिम्मेदारी है किस तरीके से देखते हैं उसको? जी, मैं इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से देखती हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि मैं प्रधान बनी तो हम अपने अपने काम करेंगे, हम पूरे ब्लॉक को साथ लेके चलेंगे और सबका विकास करेंगे पूरे अपने जींद ब्लॉक में। जो भी किसी की भी समस्या होंगी, ये नहीं कि मैं लेडीज बनी हूँ, सबसे मेन बात आती है कि ये लेडीज है ये आगे नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? आजकल लेडीज हर जगह पे अपना अच्छे से वो दे रहे हैं कि भाई लेडीज यहाँ भी लेडीज हैं, लेडीज क्यों नहीं कर सकती, सब काम लेडीज करती हैं। तो काफी खुश नजर आ रही हैं, डाल के आपका जोरदार स्वागत किया गया। हाँ जी बिल्कुल जी, सब ने इतना सपोर्ट दिया है, खुश क्यों नहीं होंगे, और पूरे ब्लॉक के अच्छे से काम करेंगे। क्या नाम है मैडम? प्रीति देवी, गांव नोरपुर, सरपंच। अब तो मैं प्रधान बन गई हूँ, सरपंच उप प्रधान दोनों तरह।
बड़ा शोकेस हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। ये और वो ए कमेंट, वो जरूर करे अगर आपको कमी पेशी लागत है।